हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के चैप्टर 3 का ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में रूल्स 33 से लेके 61 तक कवर किया था। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, तो शुरू करते हैं। जो रूल्स नंबर 62 है, यहाँ पे जितने भी रूल्स अभी पढ़ेंगे वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के रिगार्डिंग। रूल्स नंबर 62, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होता है वो ग्रांट होता है, जो कि फॉर्म 38 में ग्रांट होता है। और इसकी वैलिडिटी क्या होगी, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जो न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं उसकी वैलिडिटी 2 साल होती है। ओके, 2 साल के लिए वैलिडिटी होता है। वही जो रिन्यूअल होता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन रेस्पेक्ट टू व्हीकल मेंशन्ड इन अबव 1 ईयर के लिए, जो न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल को अगर फिर से रिन्यूअल करवाने जाते हैं तो उसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर का होता है। ओके, जो रिन्यूअल ऑफ ई रिक्शा और ई कार्ट होता है उसका वैलिडिटी वो 3 साल के लिए होता है। ओके, रूल्स नंबर 63, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन। तो जो टेस्टिंग स्टेशन होते हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करते हैं, उनको ऑथराइज्ड जो भी टेस्टिंग स्टेशन होते हैं वही हैं जिनके पास ऑथोरिटी है, लेटर ऑफ ऑथोरिटी है इन फॉर्म 39 एंड ग्रांटेड बाय द रजिस्टरिंग ऑथोरिटी, तभी वो टेस्टिंग कर सकते हैं, किसी व्हीकल्स का सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो फॉर्म 39 के द्वारा, फॉर्म 39 में उनको इशू किया जाता है लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के द्वारा, लेटर ऑफ ऑथोरिटी फॉर टेस्टिंग स्टेशन। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो एप्लीकेंट होंगे, जो फॉर्म, जो टेस्टिंग स्टेशन खोलना चाहते हैं, तो उनको फॉर्म 40 में अप्लाई करना होगा, फॉर्म 40 में अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी को। और वो अगर उनको लगता है वो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको ग्रांट कर देंगे रजिस्ट्रिंग ऑथोरिटी। उसके लिए क्या क्या रूल्स है, जैसे उनके पास अप्रोप्रिएट फी होना चाहिए, जो फी है उनको रूल 81 के अनुसार उनको जमा करना होगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1 लाख रुपीज़ का वो उन्हें जमा करना होगा। एप्लीकेंट को एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टाफ, मींस कि जो टेस्टिंग एजेंसी खोल रहा है, टेस्टिंग सेंटर खोल रहा है, तो उनमें से जो एक स्टाफ है, कम से कम एक स्टाफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी इशू या रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक व्यक्ति को, कम से कम 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, ये मिनिमम है। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले भी अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है तो। एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम सर्विस ऑफ 5 ईयर्स इन ऑटोमोबाइल वर्क्स ऑफ अंडरटेकिंग रिपेयर्स ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर्स मोटर व्हीकल, ये सब चीज़ें वहाँ पे। एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑफ मोटर व्हीकल, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, ये सब कंडीशन है। और उनको नॉलेज होना चाहिए एक्ट एंड रूल्स का, तभी जाकर वो टेस्टिंग सेंटर्स के लिए एलिजिबल है, टेस्टिंग स्टेशंस के लिए एलिजिबल है। अगर आप लोग नॉलेज और एक्ट उनको पता नहीं है, एक्ट एंड रूल, तो किस तरह से वो वर्क करेंगे, तो ये सब चीज़ें उनको, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्राइटेरिया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है 64, ड्यूरेशन ऑफ लेटर ऑफ ऑथोरिटी। तो जो ड्यूरेशन है कब तक वैलिड होगा, अगर आपने, आपको जो लेटर ऑफ ऑथोरिटी मिल जाता है तो आपका जो पीरियड है, आप जब ये वैलिडिटी जो होगा वो वैलिड रहेगा 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिन्यूअल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 65, जनरल कंडीशन टू बी ऑब्जर्व बाय द होल्डर ऑफ लेटर ऑफ ऑथोरिटी। जो लेटर ऑफ ऑथोरिटी जिसके पास है वो क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है, क्या करना है उनको, तो उनको मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, जो कि सेपरेट पेज फॉर ईच व्हीकल कंटेनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मेंशन होगा। जिनका भी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वो ग्रांट करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो इस केसेस में वो उनके मॉडल ऑफ व्हीकल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, व्हीकल का जो ओनर है उनका सिग्नेचर उस पेज पे करवाना होगा। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि उनको ये चीज़ करवाना है, ये सब चीज़ें डिटेल्स देने हैं, लिख के रखना है, ताकि वो इसे 2 दिन के अंदर, अगर किसी का सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वो इशू करते हैं तो विद इन 2 डेज
विद इन टू डेज वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को वहाँ से ले जाकर उन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिस ज्यूरिडिक्शन में वो व्हीकल है, उस व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को वहाँ पे जाके उनको जमा करना होगा ये सब चीज़ें। ओके, जो भी टेस्टिंग स्टेशन है उनको जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ये सब चीज़ों को सही से रखना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो भी चार्जेज हैं रूल्स नंबर 81 में फ़ी के बारे में मेंशन है, तो जितने फ़ी लगते हैं उससे ज़्यादा नहीं, ओवर चार्ज नहीं उनको चार्ज करना है, ये सब चीज़ें कंडीशन है। और चीज़ें थी मेंशन जो इम्पॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। रूल्स नंबर 66 इशू ऑफ डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी। तो जिस तरह से डुप्लीकेट हर चीज़ जहाँ पे परमिट हुआ, डुप्लीकेट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, ये सब चीज़ें वैसे ही यहाँ पे भी डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी भी इशू किए जाते हैं। अगर किसी का डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसकी सूचना वो पुलिस, जैसे एज यूजुअल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किस तरह से डुप्लीकेट इशू होते, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। उनको पुलिस स्टेशन जाना होगा, उसकी राइटिंग में सूचना देना होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, डुप्लीकेट में लेटर ऑफ अथॉरिटी वो इशू करेंगे, मतलब देंगे कि हमें इशू कीजिए, और वो इशू करेंगे जिस पे डुप्लीकेट लिखा रहेगा। अगर डुप्लीकेट मिल जाता है, मीन्स ओरिजिनल मिल जाता है, तो डुप्लीकेट को उनको सरेंडर करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 67 सुपरविजन ऑफ ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन। तो जो ऑथराइज टेस्टिंग स्टेशन है उसका सुपरविजन कर सकते हैं रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी या एनी ऑफिसर ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, वो वहाँ पे जाकर टेस्टिंग स्टेशन में सुपरविजन कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरह से परमिशन सही से है कि नहीं, इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन जो इक्विपमेंट है, टेस्टिंग मशीन्स है, वो सब सही है या नहीं है। ओके, रूल्स नंबर 68 पावर ऑफ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है वो, उनके पास पावर है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए उनको कॉल कर सकते हैं, जो भी टेस्टिंग टेस्टिंग में लोग हैं टेस्टिंग के, ओके तो उनको कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी चीज़ की जानकारी लेना है तो उनको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 69 पावर ऑफ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी टू सस्पेंड और कैंसल द लेटर ऑफ अथॉरिटी, ओके और फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, अगर उन्हें लगता है कि जो मेंटेन करना चाहिए इक्विपमेंट को, मशीनरी को, एपरेटर्स को, अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं या वो अदर रिक्वायरमेंट जो भी सब रूल 3 या रूल 63 में मेंशन है वो उसके उसको कंपाइल नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो फेल होते हैं तो इस केसेस में उसकी जो अथॉरिटी है लेटर ऑफ अथॉरिटी को वो सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो इसके केस में क्या होगा, उनके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी जब्त कर दिया जा सकता है। ओके, वेयर द लेटर ऑफ अथॉरिटी इज सस्पेंडेड और कैंसल्ड अंडर सब रूल 1 द होल्डर ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी शैल सरेंडर द सेम टू द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी फॉर विथ। मीन्स कि जो भी होल्डर हैं, जो जिनको मिला हुआ है लेटर ऑफ अथॉरिटी, उनको सरेंडर करना, अगर उनका सस्पेंड होता है या कैंसिल होता है तो उनको लेटर ऑफ अथॉरिटी को सरेंडर करना होगा रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास। लिखा हुआ है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसके में से अगर किसी कट करना है तो कट करके वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को वो रिटर्न कर देगी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 70 अपील। तो अपील कर सकती है, एज यूजुअल हम लोगों ने जैसे पढ़ाया था कि अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वो अपील कर सकते हैं, जैसे हर जगह हम लोगों ने अपील किए थे, जो भी ऑर्डर पास होता है उसके विद इन 30 डेज वो अपील कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से अपील करना है, तो जैसे अपील में आपको आप सही हैं, आपके पास वैलिड प्रूफ है तो आप अपील कीजिए उसका, अपील का आप एप्लीएट अथॉरिटी के पास जो भी अप्रोप्रिएट फी है उसके साथ आप अपील कीजिए, आपको उसके बारे में सुनवाई किया जाएगा, और आप सही हैं तो आप सही होंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 72 वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ लेटर ऑफ अथॉरिटी। तो जो होल्डर, जो लेटर ऑफ अथॉरिटी किसी ने इशू करवाया, वो चाहता है कि वॉलेंट्रीली सरेंडर करना है, मीन्स हमें बीच में ही सरेंडर कर देना है, हम नहीं चलाना चाहते हैं, ओके टेस्टिंग एजेंसी, टेस्टिंग जो स्टेशन है नहीं हम चलाना चाहते हैं, तो वो सरेंडर कर सकते हैं इस केस में। तो इस केसेस में क्या होगा, जो उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ओके सिक्योरिटी डिपॉजिट फुल उनका
लौटा दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, मीन्स 1 लाख रुपीज़ उन्होंने दिया है तो 1 लाख रुपीज़ उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स नंबर 73, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड टू द टेस्टिंग स्टेशन। तो जो भी टेस्टिंग स्टेशन में अगर कोई सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेने जाते हैं तो उनके पास टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, तभी जाकर कोई भी टेस्टिंग स्टेशन वाले सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस को इशू करेंगे, रिन्यू करेंगे। ओके, जो भी, क्योंकि टैक्स क्लियरेंस नहीं है, उनके रोड टैक्स कुछ हैं जो क्लियर नहीं है और वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करते हैं, तो ये नहीं करना है उनको। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनके पास होगा तभी जाकर उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करेंगी टेस्टिंग स्टेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 74, जो कि रिगार्डिंग है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज फॉर डिफेंस पर्पसेस। ओके, तो डिफेंस पर्पसेस के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। रूल्स नंबर 74, असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क टू द व्हीकल्स बिलोंगिंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज फॉर डिफेंस पर्पसेस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स होते हैं, जो हम लोग सेक्शन 60 में अप्लाई पढ़ा था कि वहाँ पे जो अथॉरिटी होते हैं डिफेंस के, वो वहाँ पे अपने जो उनको ऑथराइज किया जाता है वो नंबर इशू करते हैं, लेकिन उसके बारे में वो जो अथॉरिटी होती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसके बारे में वो इंटीमेट कर देती है, सूचना दे देती है। तो जो डिफेंस की व्हीकल्स होते हैं उनको किस तरह से होना था, सिंगल कैपिटल लेटर, ए ब्रॉड एरो, नॉट मोर देन 6 फिगर्स एंड ए कैपिटल लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये इस तरह के व्हीकल्स के डिजाइन होते हैं, व्हीकल्स में नंबर होते हैं, मीन्स कि एक एरो होना चाहिए ऐसे, इस तरह से शो करेगा, सिंगल कैपिटल लेटर के साथ साथ एक ब्रॉड नॉट मोर देन 6 फिगर्स होना। मैं आपको इसके बारे में फिगर से मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये होता है। ये आप देख सकते हैं, ये डिफेंस की व्हीकल्स है, यहाँ पे ये जो गाड़ी है ये व्हीकल्स में एक एरो लगा हुआ है और ये जो नंबर है 6 डिजिट नंबर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 डिजिट नंबर है ये, और एक कैपिटल लेटर्स के ये जो मार्क्स होंगे, ग्रुप ऑफ कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, मतलब WA इस तरह से कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 लेटर्स होंगे और एक एरो तो होगा ही इस तरह से, जो कि बताता है कि ये डिफेंस की व्हीकल्स है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल, जो कि रूल्स नंबर 75 है, एक ही रूल्स है इसमें, स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल। तो इसमें क्या बात कही गई, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है सारे स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करना है स्टेट रजिस्टर। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, जो फॉर्म 41 होता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन करना होता है कि आपने किसको इशू किया है, कहाँ इशू किया, कितने इशू हुए, ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ऑफ ट्रांसपोर्ट न्यू दिल्ली को एक प्रिंटेड कॉपी में हर स्टेट गवर्नमेंट को जमा करना होता है, जो कि डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि इतने हर महीने आपको जमा करना है। ओके, स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर। तो जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जो भी होते हैं, वो डिप्लोमेटिक ऑफिसर के लिए जो व्हीकल्स होते हैं वो किस तरह के व्हीकल्स होंगे, क्या उसमें मार्क रहेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो डिप्लोमेटिक ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, उनके जो व्हीकल्स होंगे वहाँ पर CD मेंशन होगा। CD मतलब डिप्लोमेटिक कंसल्टेंट, जो भी है वो डिप्लोमेटिक कंसल्टेंट के व्हीकल्स में CD रहेगा, लगा हुआ CD लिखा रहेगा। और जो ऑफिशियल व्हीकल्स रहेंगे, जो भी, जैसे हेड ऑफ मिशन शैल बी अलॉटेड द नंबर ऑफ 1, मींस कि नंबर 1 उनके अलॉट किया जाएगा। जो पर्सनल व्हीकल्स होंगे ऑफ हेड, ओके, जो पर्सनल व्हीकल ऑफ हेड होंगे तो उस केस में उनका जो नंबर होगा 1 से और फॉलोड बाय द A, मींस कि 1 CD लिखा रहेगा, फिर A, फिर समथिंग कुछ नंबर्स रहेंगे। अगर अदर देन जो जो सब क्लॉज 1 में, मतलब हेड के अलावा कुछ जो व्हीकल्स हैं, जो हेड हैं उनके अलावा दूसरे लोगों का व्हीकल्स होंगे, जो कि कंसल्टेंट ही होंगे, जो डिप्लोमेटिक काउंसलर ही होंगे, बट वो हेड नहीं होंगे, तो इस केसेस में उनका जो नंबर होगा वो नंबर स्टार्ट होगा 2 से। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है।
जो पॉइंट नंबर 8 है यहाँ पे हॉनरेरी काउंसलर ऑफिसर के बारे में बात की गई। जो भी काउंसलर ऑफिसर जो भारत में हैं, जैसे दूसरे देश के हैं, जैसे पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, अमेरिका के, जो काउंसलर यहाँ पे हैं वो उनको जो नंबर प्लेट होगा, दे हाउ एवर यूज द वर्ड नेम ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री से वो आते हैं, फॉलोड बाई CC, ओके, जो फॉलोड बाई CC इन द सेम फॉन्ट एंड कलर, सेम कलर का और सेम फॉन्ट का कलर होना चाहिए, और द नंबर एंड लेटर्स इन वाइट कलर, वाइट कलर ऑन ब्लैक, जो कलर होंगे, जो फॉन्ट कलर होंगे वो वाइट होंगे, और जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक से होगा, ब्लैक पे वाइट का मार्क लिखा होगा, जो भी नंबर्स होंगे वो, ओके। यहाँ पे 76A में जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे UN, जो यूनाइटेड नेशन होते हैं वहाँ, ये सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है। CD में को सब्स्टिट्यूट किया गया, CC को सब्स्टिट्यूट किया गया है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 76B, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स ऑफ होम बेस्ड नॉन डिप्लोमेटिक ऑफिशियल, डिप्लोमेटिक मिशंस और काउंसलर पोस्ट। जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे कि जो मोटर व्हीकल बिलोंगिंग्स टू नॉन डिप्लोमेटिक ऑफिशियल हैं और वो डिप्लोमेटिक मिशन से दिल्ली में पोस्टिंग, दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका जो नंबर में CDP लिखा रहेगा, और जो भी लेटर्स होंगे वो लेटर्स होंगे, आपको ये ध्यान में रखना। और जो मोटर व्हीकल जो नॉन डिप्लोमेटिक ऑफिशियल है लेकिन वो दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली में अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ काम या कुछ भी, तो CCP उसके व्हीकल्स में रहेंगे और उनके साथ जो भी नंबर्स होंगे वो ऐड रहेंगे। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे एग्जीबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क, किस तरह से रजिस्ट्रेशन मार्क होंगे, मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था, आप ध्यान से, इसमें भी वही चीज़ें थी, आपको किस तरह से कौन से बैकग्राउंड में क्या होने चाहिए, क्या फॉन्ट होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन करना था, तो यहाँ मैंने इस फिगर को फिर से यूज किया। जैसे प्राइवेट व्हीकल्स हैं तो यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक से लिखा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो ग्रीन बैकग्राउंड पे येलो से लिखा जाता है, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं जो आप देखे भी होंगे येलो पे ब्लैक फॉन्ट से लिखा होता है, जो व्हीकल्स होते हैं गवर्नर के या प्रेसिडेंट के वो उनके इस तरह के होते हैं, इनके ये जो रेंटल व्हीकल्स हैं इसके इस तरह से होते हैं, ओके। जो व्हीकल्स ये बिलोंग्स करते हैं फॉरेन एम्बेसी या उस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल ऑफ व्हीकल टू अनदर स्टेट, मीन्स कि व्हीकल्स आप अनदर स्टेट से दूसरे स्टेट में आप आते हैं, तो ये जो केसेस हैं उसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या फ़ी लगेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन थे, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे। सस्पेंशन है, जो रूल्स नंबर 79 में सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, ओके, तो ये चीज़ें भी नहीं इम्पॉर्टेंट थे तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो 80 भी वही था, मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो 81 है वहाँ पे फ़ी के बारे में, यहाँ पे रूल्स नंबर 81 में फ़ी के बारे में डिस्कस किया गया है, आप लोग ये फ़ी को देख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फ़ी है यहाँ पे, फ़ी के साथ साथ कौन क्या सेक्शन में, किस सेक्शन में मेंशन है, ये चीज़ें भी यहाँ पे कहा गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 52(4), ये जो सेक्शन है 52(4) में रिकॉर्डिंग ऑफ अल्ट्रेशन इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके लिए 50 रुपीज़ है, 52(4) में मेंशन है। जैसे इंडोर्सिंग द हायर परचेज लीज, ओके, एग्रीमेंट, तो ये 100 रुपीज़ का इसमें फ़ी है, और ये इस तरह से आपको रूल्स नंबर 60 में मेंशन है, कोई सेक्शन में मेंशन है, तो ये सब चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, आपको ये चीज़ें आप देख लीजिए, ओके। यहाँ जो रूल्स थे, टोटल रूल्स हमने कवर किया, ओके, 81 तक हमने कवर किया, जो कि चैप्टर 3 का लास्ट रूल्स है, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा, और जो भी थ्योरी, जो भी MCQ बचे हुए चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, वो भी होंगे, ओके, साथ साथ में वो भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।